हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग देखेंगे क्योंकि इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त आज तेजी देखने को मिल रहा है। तो इस तेजी के पीछे का रीजन क्या है, नेक्स्ट हम लोगों को किस लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है, सभी बातों पर डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अडानी पोर्ट्स शेयर के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे शेयर्स को देखेंगे तो आज इस शेयर में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे आज का ओपनिंग प्राइस जो है इस स्टॉक का, यहाँ पे आपको 888.88 का 8 का था, और अभी अगर करेंटली देखेंगे स्टॉक 922 पे चल रहा है। तो क्लियरली जो है यहाँ पे आपको 34 रुपीज से ऊपर का तेजी यहाँ पे अभी देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। मोर देन आपको ऑलमोस्ट 4% ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम ही हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे इस ब्रेकआउट का असली वजह क्या है, या फिर जो है इस तेजी का असली वजह क्या है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बेटर वे में स्टॉक समझ में आएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे स्टॉक क्लियरली आपको काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, 652 ऊपर में आपको 900 इस रेंज में काफ़ी टाइम से स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इसके ऊपर जो है आपको कंटिन्यूसली जाने की कोशिश कर रहा था। ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो 924.75 इसका ऑल टाइम हाई है। अभी ऑलमोस्ट आपको 923.4 पे चल रहा है, 1 रुपीज नीचे जो है अपने ऑल टाइम हाई से ट्रेड कर रहा है। एक बार जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा इस स्टॉक में जो है हम लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और अडानी ग्रुप का एकमात्र ऐसा स्टॉक है जो कि आपको लास्ट कई मंथ से बिल्कुल ही यहाँ पे जो है कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, वापस से स्टॉक अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा सकता है। अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, और स्टॉक क्लियरली काफ़ी बुलिशली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 900 के ऊपर जो है। इससे पहले आपको एक भी वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ पे फाइनली अगर हम लोग देखेंगे थर्ड अटेम्प्ट में मोस्ट प्रोबेबली आज स्टॉक जो है यहाँ पे 900 के लेवल के ऊपर इजीली क्लोज दे सकता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। स्टॉक क्लियरली लास्ट आपको 1.5 ईयर से भी ज़्यादा टाइम से कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी अगर इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मोमेंटम आता है या फिर ब्रेकआउट आता है, तो उसके बाद बहुत ही मैसिव हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक में जो है हम लोगों को मिनिमम यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 200 से 300 पॉइंट का मिनिमम हम लोगों को मूवमेंट ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। तो 1250-1300 तक का लेवल जो है इजीली हम लोगों को नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक के ऊपर जो है आप लोग कंटिन्यूसली नज़र बना के रख सकते हैं। अगर आपके होल्डिंग में है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जो है कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपके होल्डिंग में नहीं है तो यहाँ पे अगर स्टॉक जो है आज 900 के ऊपर क्लोज देता है तो यहाँ पे जो है आपको डेफिनेटली पोजीशन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो नीचे की साइड 800 के स्टॉप लॉस के साथ जो है आप कंटिन्यूसली इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको 200 से 300 पॉइंट का जो है एक अच्छा मुनाफा इजीली देखने को मिल सकता है। अभी करंटली अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने ये ऑल टाइम हाई के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। एक बार जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो उसके बाद जो है इस स्टॉक में बहुत ही मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर इस स्टॉक के ऊपर आप लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं, बहुत ही सही समय है जहां पे कि आप ब्रेकआउट को भी कैप्चर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत ही क्विक मोमेंटम भी यहां पे मिलने वाला है। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।